अनिका का गुस्सा देखकर साहिल ने अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए थे, क्योंकि वह जानता था उसकी जंगली जानेमन अब रुकने वालों में से नहीं है। उसने तो पहले ही राइमा को वार्निंग दे दी थी, पर राइमा ही नहीं मानी। अब इसमें साहिल कुछ भी नहीं कर सकता था। अनिका किसी गुस्सेल शेरनी की तरह लगातार राइमा का सर दीवार पर मार रही थी। अब राइमा का सर चक्कर आने लगा था, यहाँ तक कि उसकी माथे से हल्का हल्का खून बहने लगा था। अनिका ने उसके चेहरे को बालों से पकड़कर अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए कहा, अगली बार से अगर तुम्हारे मुँह से कभी यह निकला कि साहिल तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो याद रखना तुम्हारी लाश भी किसी को नसीब नहीं होगी। अनिका की बात सुनकर रायमा उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें दर्द के कारण लाल हो गई थी, फिर भी उसने उन्हें दर्द भरी आंखों से अनिका को देखते हुए कहा, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो, मैं साहिल से प्यार करना कभी नहीं छोड़ सकती। बचपन से लेकर आज तक उसके अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, ना ही आगे सोचूंगी। राइमा की बात सुनकर अनिका की आंखों में गुस्सा उतारने लगा। अनिका ने गुस्से से उसके बालों को कस के पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, काफी मजबूत चमड़ी की लगती हो, लगता है तुम्हें मार से फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरा उपाय भी है। इतना कहकर अनिका ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ राइमा की तरफ देखा। अनिका की डोमिनेटिंग साइड और उसकी शैतानी आंखों की चमक देखकर राइमा एक पल के लिए डर गई, पर फिर उसने एटीट्यूड से कहा, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगी, मेरा करियर बर्बाद कर दोगी, मुझे सड़क पर ला दोगी या फिर मेरी जान ले लोगी, पर फिर भी मैं साहिल से प्यार करना नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी मैंने ये करियर सिर्फ साहिल के करीब रहने के लिए चुना था, अगर साहिल ही मेरे पास नहीं है तो इस करियर का भी मैं क्या करूंगी। राइमा की बात सुनकर अनिका ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, अभी बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी। अनिका ने राइमा को बालों से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए साहिल की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, साहिल, अपना नाम सुनकर साहिल, जो कि अपने सर पर दोनों हाथ रखकर बैठा हुआ था, उसने जल्दी से कहा, क्या हुआ। जानेमन साहिल के मुंह से अनिका के लिए जानेमन सुनकर राइमा की आंखों से आंसू बहने लगे। अनिका ने गुस्से से कहा, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड का इंतजाम करना है मुझे, अगर के बिन में कुछ रस्सी जैसी चीज हो तो जल्दी दो। अनिका की बात सुनकर साहिल ने अनिका को हैरानी से देखते हुए कहा, देखो जानेमन, इतनी सी बात के लिए तुम इसकी जान मत लो, मैं इसे समझा दूंगा, ये चली जाएगी। साहिल की बात सुनकर अनिका ने गुस्से से कहा, जितना कहा उतना करो। अनिका को गुस्सा होता देखकर साहिल ने खुद को शांत करते हुए कहा, ठीक है मैं देखता हूँ। साहिल ने केबिन के चारों तरफ देखा, तभी उसका ध्यान एक दुपट्टे पर गया जो कि अनिका का ही था। उसने से दुपट्टे को देखते हुए कहा, रस्सी तो यहाँ नहीं मिलेगी, मुझे ये तुम्हारा दुपट्टा मिल गया। इतना कहकर साहिल ने वो दुपट्टा उठाया और अनिका की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, देखो जानेमन, मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है और आना भी चाहिए, आखिर मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ और ये लड़की तुम्हारे सामने मुझे अपना बॉयफ्रेंड कह रही है, पर मेरी तरफ से सच में कभी कुछ नहीं था। जानेमन, तुम इतनी सी बात के लिए इसकी जान मत लो, साहिल ने प्यार से अनिका को समझाते हुए कहा। वही साहिल की बात सुनकर रायमा, जो कि अनिका के पास खड़ी थी, उसे अब डर लग रहा था। उसने मन ही मन कहा, क्या सच में यह मेरी जान लेना चाहती है। उसने इतना सोचा ही था कि तभी अनिका ने गुस्से से साहिल की तरफ देखते हैं कहा, कहीं प्यार आ रहा है तुम्हें, इस पर बहुत चिंता हो रही है ना इसकी, तो फिर मुझसे शादी क्यों कर रहे हो। अनिका ने गुस्से से साहिल पर चिल्लाते हुए कहा। अनिका को खुद पर इस तरह से गुस्सा होता देखकर साहिल ने डरते हुए कहा, जानेमन, सच में मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, मुझे तो तुम्हारी चिंता है। मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी होने तक तुम किसी का खून करो, उसके बाद कर लेना जिसे करना है उसका। साहिल की बात सुनकर अनिका ने साहिल को घूरते हुए कहा, अगर मुझे इसका खून भी करना है ना, तो तुम मुझे चाह कर भी नहीं रोक सकते, और वैसे भी यह मेरा पहला खून तो होगा नहीं। जो तुम इतना डर रहे हो, भूल गए क्या तुम्हारी होने वाली बीवी एक गैंगस्टर है।
अनिका की बात सुनकर राइमा, जो कि अभी भी उसके पास खड़ी थी, वह थर थर कांपने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी है खूबसूरत सी लड़की, एक गैंगस्टर है। उसने कांपते शब्दों के साथ कहा, तुम गैंगस्टर हो। राइमा की बात सुनकर अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई शक, मैं तुम्हें जल्दी ही साबित कर दूंगी कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं, और तुमने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे होने वाले पति को अपना बॉयफ्रेंड बात कर अब तुम्हें समझ में आएगा। साहिल ने अपने हाथ में पड़ा दुपट्टा अनिका की तरफ देते हुए कहा, जानेमन तुम्हें जो करना है करो, पर मैं सच कह रहा हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कभी कोई और ना थी, ना रहेगी, ना मैं रहने दूंगा, और अगर मैं कोशिश भी की तो तुम मेरी जान ले लोगी, यह मुझे पता है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। साहिल की बात सुनकर अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, काफी समझदार हो गए हो और अपनी यह समझदारी हमेशा अपने पास रखना, वरना मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो ना, प्यार होने वाले पतिदेव। इतना कहकर अनिका ने उसके हाथ से दुपट्टा खींचकर अपने हाथ में लिया और राइमा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे तुम्हारा इंतजाम करना है। राइमा को अब अनिका से डर लग रहा था, उसने डरते डरते कुछ कहना चाह, तभी अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकला तो अगले ही पल तुम्हारे शरीर से तुम्हारी जान निकल जाएगी, और यह मेरी कोरी धमकी मत समझना, यह मेरा वादा है। अनिका ठाकुर अपना वादा निभाती है, इसलिए चुप रहना, वरना। इतना कहकर अनिका चुप हो गई। अनिका की बात सुनकर अब राइमा अपनी जगह पर ही थर थर कांपने लगी। उसे कांपता देखकर अनिका ने हंसते हुए कहा, अगर पहले ही तुमने ये बेवकूफी नहीं की होती तो आज ये सिचुएशन तुम्हारे सामने आई ही ना होती, इसलिए अगली बार से याद रखना कि किसी के होने वाले पति या फिर किसी के बॉयफ्रेंड पर डोरे डालने से पहले यह जरूर देख लेना कि उसकी शादी हो किससे हो रही है, कहीं मेरे जैसे किसी गैंगस्टर से पाला पड़ गया तो अगली बार जिंदा नहीं बचोगी। अनिका की बात सुनकर राइमा ने कुछ कहना चाह, तभी उसे अनिका की धमकी याद आ गई। अनिका ने मुस्कुराते हुए राइमा को खींचते हुए एक कुर्सी पर बिठा दिया और उसके दोनों हाथ उसे दुपट्टे से बांध दिए। राइमा को समझ नहीं आ रहा था कि अनिका उसके साथ करना क्या चाहती है। वो हैरानी से अनिका की तरफ देख रही थी। उसके माथे से अभी भी हल्का हल्का खून बह रहा था, पर उसके खून की चिंता किसी को नहीं थी। राइमा को बढ़ने के बाद अनिका ने शरारती मुस्कुराहट के साथ राइमा को देखते हुए कहा, आज मैं तुम्हें लाइव रोमांस दिखाने वाली हूँ, तुम जिससे प्यार करती हो ना, तुम्हारी आंखों के सामने मैं उसे प्यार करूंगी और तुम बस देखते रह जाओगी, मुझे पता है। इसके बाद तुम चाहकर भी मेरे साहिल पर नजर डालने की हिम्मत नहीं कर पाओगी, क्योंकि जब भी तुम साहिल को देखोगी तुम्हें मेरी याद आएगी। अनिका की बात सुनकर राइमा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम छोड़ो मुझे। इतना कहकर वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर अनिका ने उसे काफी मजबूती से बंधा हुआ था। वही साहिल भी हैरानी से अनिका को देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, मेरी जानेमन तो काफी खतरनाक निकली, ये तो इमोशनली भी टॉर्चर करना जानती है। साहिल ने इतना सोचा ही था कि अनिका ने पलटकर उसकी तरफ देखकर शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, तो साहिल आज मैं तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालने वाली हूँ, वह भी तुम्हारी इस लव के सामने। इतना कहकर अनिका ने का नहीं, साहिल को कॉलर से पकड़कर अपने नजदीक खींचा। साहिल चुपचाप अनिका की आंखों में देख रहा था। अनिका ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हें मेरा जंगली रूप देखने को मिलेगा। इतना कहकर अनिका ने साहिल को धक्का देकर केबिन में रखे सोफे पर गिरा दिया। साहिल आंखें फाड़कर अनिका की तरफ देख रहा था। अनिका ने शरारती मुस्कुराहट के साथ एक नज़र राइमा की तरफ देखा, जो आंसू भरी आंखों से उन दोनों को ही देख रही थी। अनिका ने अपने कदम सोफे की तरफ बढ़ा दिए और साहिल के ऊपर आकर बैठ गई। अनिका ने अपने बालों को खोल दिया और अपनी शर्ट की ऊपर की दो बटन को भी खोल दिया। अनिका की कॉलर बोन अब साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर साहिल की हालत खराब हो रही थी।
अनिका ने झुककर साहिल की टाई को खोलते हुए कहा, काफी टाइट हो गई है ये। साहिल अपना थूक घटकते हुए अनिका की तरफ देख रहा था, क्योंकि झुकने के कारण अनिका के क्लीवेज को वह आसानी से देख पा रहा था। साहिल की तो हालत खराब हो रही थी, वही साहिल की हालत देखकर अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ तो मेरा बुद्धू राम ही कर देगा। इतना सोचकर अनिका उसकी टाई को खोलकर साइड में फेंक दिया और उसके कॉलर के ऊपर के बटन को भी खोलने लगी। अब साहिल की चेस्ट अनिका के सामने थी, अनिका ने उसकी चेस्ट पर अपने होंठ फिराना शुरू कर दिया। साहिल ने उसके बालों को कसके अपने हाथों में पकड़ लिया और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। ये सब देखकर कुर्सी पर बंद ही रायमा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह चिल्लाना चाहती थी पर उसके मुँह से शब्द नहीं निकल रहे थे। आज वह अपने बचपन के प्यार को किसी और के साथ तरह से देख रही थी, इससे ज्यादा टॉर्चर भर उसके लिए आखिर क्या ही हो सकता था। वही काफी देर तक साहिल की चेस्ट पर किस करने के बाद उनका ने अपना चेहरा ऊपर उठकर साहिल की तरफ देखा। साहिल के माथे पर पसीना ही पसीना था। अनिका ने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे काफी प्यार से चूमने लगी। वही अनिका के होठों को अपने होठों पर महसूस करते ही साहिल भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो किसी पागल आशिक की तरह उसे जोर जोर से किस करने लगा। उन दोनों को इस तरह से पैशनेट होकर किस करता देख रायमा अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वह जोर जोर से रोने लगी। साहिल और अनिका अपनी किस में इतना खो गए थे कि उन दोनों को रायमा के रोने की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही थी। ऑडियो बाय साकिल JX07। कुर्सी पर बांधी रायमा लगातार साहिल और अनिका को इस तरह से एक दूसरे के साथ प्यार से किस करता देखकर रो रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर अनिका ने उसे काफी मजबूती से बंधा हुआ था, जिस वजह से वह चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं नहीं देख सकती यह सब प्लीज। उसकी दर्द भरी आवाज अनिका के कानों में पड़ी, जिसे सुनकर अनिका ने मुस्कुराते हुए साहिल को छोड़ा और लंबी लंबी सांस लेते हुए अनिका रायमा की तरफ देखने लगी। अनिका को खुद की तरफ देखा देखकर रायमन रोते हुए कहा, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं नहीं देख सकती तुम लोगों को इस तरह से। रायमा की बात सुनकर अनिका ने मुस्कुराते हुए साहिल की तरफ देखा और उसके लिप्स को फिर से एक बार किस करते हुए कहा, बेबी बस 5 मिनट में जल्दी से इसी यहाँ से भागकर वापस आकर कंटिन्यू करती हूँ। इतना कहकर अनिका साहिल के ऊपर से उठ गई और मुस्कुराते हुए रायमा के सामने आकर खड़ी हो गई। अनिका को देखकर रायमा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर उसकी हिम्मत नहीं थी अनिका को कुछ भी कहने की। ऊपर से यह जानने के बाद कि उसके सामने खड़ी है नाजुक सी लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक गैंगस्टर है, रायमा चाह कर भी अनिका को कुछ नहीं कह सकती थी शिवाय खुद के दर्द को आंसू के जरिए बहाने के। अनिका ने मुस्कुराते हुए रायमा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है तुमने सबसे बड़ी गलती क्या की। रायमा ने आंसू भरी आंखों से अनिका की तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अनिका ठाकुर के होने वाले पति को अपना बॉयफ्रेंड कहा, ये तुम्हारी सबसे पहली गलती। दूसरी गलती यह जानने के बाद भी कि साहिल की शादी होने वाली है तुमने उसका पीछा नहीं छोड़ा। और तीसरी गलती तुमने मेरे और साहिल के बीच में गलत फहमी या लाने की कोशिश की। अनिका की बात सुनकर रायमा कुछ नहीं कहा, बस आंसू भरी आंखों से अनिका की तरफ देखने लगी। अनिका ने उसके करीब झुक कर उसके कानों में काफी खतरनाक आवाज में कहा, आज तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ क्योंकि आज मेरा मूड अच्छा है, वरना तुम्हारी लाश भी किसी को नसीब नहीं होती। और अगली बार से मेरे साहिल की तरफ देखने से पहले एक बार मेरे बारे में जरूर याद कर लेना। इस बार तो सिर्फ छोटा सा ट्रेलर दिखाया है, अगली बार पूरी सुहागरात तुम्हारे सामने ही मनाऊंगी और सच में मुझे शर्म नहीं आएगी क्योंकि मैं तो अपने प्यार के साथ रहूंगी। पर तुम देख पाओगे क्या हमें इस तरह से एक दूसरे की बाहों में बिना के। अनिका ने काफी डोमिनेटिंग आवाज में रायमा के कान में कहा।
अनिका की बात सुनकर रायमा आज से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा, पर कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। अनिका की आवाज में कुछ अलग ही था, जिस वजह से रायमा अभी भी डर रही थी। रायमा को डरता देखकर अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, डर रही हो तो सुनो, डरना जरूरी है और खास करके मुझसे तो बहुत, क्योंकि अब मेरी नजरों में तुम आ चुकी हो। अब कभी भी मैं अगर तुम्हें साहिल के नजदीक देखा तो फिर, इतना कहकर अनिका मुस्कुराने लगी। उसने मुस्कुराते हुए रायमा को कुर्सी से छोड़ा और कहा, अब तुम यहाँ से निकलने की जहमत उठाओगी या फिर धक्के मारकर निकालू, वह क्या है ना, अब हम दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, इसलिए हमें साथ में कुछ प्राइवेट मोमेंट स्पेंड करने हैं, और मैं इस तरह से तुम्हारे सामने तो सब कुछ नहीं कर सकती ना, वह भी मेरे प्यार है साहिल के साथ, वह क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरे साहिल को मेरे अलावा कोई भी से हालत में देखें, इसलिए तुम जल्दी से निकल जाओ, अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। अनिका की बात सुनकर रायमा ने एक नज़र आंसू भरी आंखों से साहिल की तरफ देखा। साहिल अभी भी लंबी लंबी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। साहिल को देखकर ट्राइमन समझ चुकी थी कि सच में साहिल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। उसने एक नज़र अनिका की तरफ देखा और फिर रोते हुए केबिन से बाहर निकल गई। उसके माथे से अभी भी खून निकल रहा था, पर उसे अपने जख्म से ज्यादा दर्द अपने दिल में हो रहा था। आज उसकी आंखों के सामने उसका प्यार किसी और की बाहों में था और वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी शिवाय अपना दर्द अपने अंदर छुपाने के। रायमा के जाते ही अनिका ने गुस्से से साहिल की तरफ देखा, जो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अनिका जाकर सीधा साहिल के ऊपर बैठ गई। साहिल ने जब अनिका को खुद की तरफ घूरता देखा, तब उसने खुद की सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या हुआ जानेमन, प्लीज आई नीड यू, तुमने मुझे अब बहकाया है तो मुझे शांत भी तुम ही करोगी, प्लीज जानेमन। साहिल की बात सुनकर अनिका ने गुस्से से उसके कॉलर को पकड़कर उसे अपने नजदीक खींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने, मैंने तुम्हें बहकाया मेरी आंखों के सामने, वह कमीनी तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड कह रही थी और तुम चुपचाप सुन रहे थे, बोलो क्या सच में तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है। अनिका इस वक्त किसी जंगली जानवर की तरह लग रही थी जो कि साहिल को कच्चा निगल जाएगी। अनिका को इस तरह से गुस्सा होता देखकर साहिल ने उसे शांत करते हुए कहा, जानेमन सच में मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट मेरे लिए वह एक जस्ट ही नहीं करती, वह बचपन से मेरे पीछे पड़ी हुई है, फिर भी मैं आज तक उसे एक नज़र पलट कर भी नहीं देखा। मेरी जिंदगी में आने वाले तुम पहले और आखिरी लड़की हो, अगर तुम मुझे मना भी कर देती ना तो भी मैं जिंदगी भर कुवारा रहता, पर किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं आने देता, और तुम सोच भी कैसे सकती हो कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच सकता हूँ। साहिल सिर्फ अनिका का था, अनिका का है और अनिका का ही रहेगा, साहिल ने अनिका की तरफ देखकर बहुत प्यार से कहा। साहिल की बात सुनकर अनिका, जो कि गुस्से से काली माता बनी हुई थी, उसका गुस्सा शांत हो गया। अनिका को शांत होता देखकर साहिल ने मदहोशी आवाज में कहा, जानेमन अब जब तुमने मुझे बहका ही दिया है तो प्लीज आई नीड यू। साहिल की बात सुनकर अनिका ने साहिल की तरफ देखा। साहिल का चेहरा इस वक्त काफी मासूम लग रहा था। अनिका ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर साहिल के लिप्स पर अपने लिप्स रखे और उसे किस करने लगी। अनिका को खुद को किस करता देखकर साहिल भी उसे पैशनेट होकर किस करने लगा। दोनों सब कुछ भूलकर लगातार एक दूसरे को किस कर रहे थे। कुछ देर तक किस करने के बाद साहिल ने पलट कर अनिका को अपने नीचे कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब मेरी बारी जानेमन। इतना कहकर साहिल ने अनिका के लोअर लिप को कस के बीते किया और उसकी गर्दन से लेकर उसकी पूरी बॉडी को चूमने लगा। अनिका साहिल के बालों को कसके पड़कर लंबी लंबी सांस ले रही थी और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अनिका की तेजाहें पूरे केबिन में घूम रही थी। साहिल काफी पैशनेट होकर अनिका को किस कर रहा था। कुछ देर बाद साहिल ने अनिका की तरफ देखा। अनिका अपने निचले होठों को काट रही थी जैसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। साहिल ने आगे बढ़कर उसके लिप्स को किस करते हुए कहा, जानेमन मुझे तुम्हारी आवाज़ से
उसे सुनाई है प्लीज। इतना कहकर उसने फिर से अनिका के लिप्स पर किस किया और उसे प्यार करने लगा। अनिका भी साहिल का पूरा साथ दे रही थी। साहिल एक हाथ से अनिका की पूरी बॉडी को सहला रहा था और दूसरे हाथ से उसने अनिका के चेहरे को पकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद साहिल ने अनिका की तरफ देखकर उसे आंखों ही आंखों में आगे बढ़ाने की इजाजत मांगी। अनिका ने साहिल की तरफ देखा और प्यार से अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद दोनों के कपड़े केबिन में पड़े हुए थे और केबिन में दोनों की प्यार भरी आवाज से गूंज रही थी। अनिका और साहिल दोनों इस वक्त काफी पैशनेट थे। साहिल का केबिन अंदर से लॉक था जिस वजह से कोई चाह कर भी अंदर नहीं आ सकता था। करीब एक घंटे के बाद अनिका ने थकी हुई आवाज में कहा, साहिल प्लीज मैं थक गई हूँ। साहिल ने अनिका की तरफ देखा जो लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसका चेहरा इस वक्त पसीने से भीगा हुआ था। साहिल ने झुककर उसके लिप्स पर किस करते हुए कहा, ओके जाने मन। इतना कहकर साहिल अनिका के ऊपर से हट गया और सोफे पर लेट गया। उसने पलट कर अनिका को अपने ऊपर किया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। अनिका ने उसके देखने पर अपना कर रखा और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। अभी भी उसकी सांसें तेज चल रही थी। अनिका ने साहिल के सीने पर कर रखते हुए कहा, साहिल तुम हमारे बीच में कभी किसी को नहीं आने दोगे ना। अनिता की बात सुनकर साहिल जो कि प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रहा था, उसका हाथ अचानक से रुक गया। साहिल ने अनिका की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमारे बीच कभी किसी को आने दूंगा। अनिका ने अपना चेहरा ऊपर उठकर साहिल की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी ना तो सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अनिका की बात सुनकर साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरी जान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाने मन अगर कभी मैंने तुम्हें धोखा दिया ना तो मैं खुद ही खुद की जान ले लूंगा, क्योंकि तुम मेरी जान हो। और अगर मैं तुमसे वफा नहीं किया तो फिर मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं। साहिल की बात सुनकर अनिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, हमेशा एक बात याद रखना साहिल, कभी मेरा भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि अगर एक बार भरोसा टूट गया ना तो वह दोबारा नहीं जुड़ता। और मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए तुम एक अजनबी बन जाओ। अगर तुमने कभी मुझे धोखा दिया तो तुमसे नफरत तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि टूटकर प्यार करती हूँ, पर हाँ मेरे लिए तुम अजनबी बन जाओगे, मेरे सामने से भी गुजारोगे ना तो भी। अनिका ठाकुर तुम्हारी तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं दिखेगी, यह मेरा वादा है। अनिका की बात सुनकर साहिल ने घबराते हुए कहा, तुम ये कैसे बात कर रही हो, अगर फ्यूचर में मुझे कोई गलती भी हुई तो तुम मुझे मार लेना, मेरी जान ले लेना, मुझ पर गुस्सा करना, पर कभी अजनबी हो जैसा भी है वो मत करना। मुझे पता है कि मैं इस तरह की कोई गलती तो करूंगा नहीं, पर फिर भी अगर छोटी मोटी कोई गलती हो गई तो तुम प्लीज मुझे सजा देना, ना कि इस तरह से मुंह मोड़ना। आज के लिए बस इतना ही। क्या होगा कहानी में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और क्या होगा अनिका और साहिल की जिंदगी में, क्या रायमा छोड़ देगी साहिल का पीछा और क्या साहिल कर पाएगा अनिका के साथ वफा, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा कहानी के आने वाले एपिसोड में। ऑडियो बाय साकिल JX07। साहिल की बात सुनकर अनिका ने साहिल की तरफ देखा। साहिल की आंखों में प्यार देखकर अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम हमेशा मेरे साथ लॉयल रहोगे तो इसकी नौबत कभी नहीं आएगी। साहिल, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि कभी मुझे किसी से प्यार होगा, मेरी जिंदगी का मकसद एक ही था, दादाजी के काम को आगे ले जाना। अर्नव तो हमेशा इस काम से दूर रहना चाहता है और दादाजी को सारी उम्मीदें मुझे हैं, इसलिए मैंने हमेशा से यही सोचा था कि मुझे गैंगस्टर ही बन रहा है। अगर तुम्हें मेरे काम से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, मेरे लिए इस मैटर यही करता है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी, बस हमारे बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, वरना उसे इंसान और तुम्हें खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो दिल टूटने के बाद रोती रहती है, मैं उनमें से हूँ जो दिल तोड़ने वाले को खत्म कर देती है।
अनिका की बात सुनकर साहिल ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपकी इसी अदा पर तो हम फिदा है जानेमन लड़कियां। साहिल मल्होत्रा पर मरती है, पर साहिल मल्होत्रा सिर्फ अपनी जानेमन पर मरता है, क्योंकि तुम्हारे जैसी कोई नहीं है, तुम मेरा सिंगल पीस हो। इतना कहकर साहिल ने मुस्कुराते हुए अनिका को अपने सीने से लगाया। अनिका ने साहिल को धक्का देते हुए, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और बहुत रोमांस हो चुका है, तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में काम होगा, मैं बस तुमसे मिलने के लिए आ गई थी, पर अच्छा ही हुआ आ गई, उसे शैतान कमीनी लड़की को मैंने सबक सिखा दिया, अगली बार से तुम्हारे करीब आने से पहले 1000 बार सोचेगी कि तुम्हारी होने वाली बीवी कितनी खतरनाक है। अनिका की बात सुनकर साहिल ने हंसते हुए कहा, सच में अब तो वह मेरे पास आने से पहले सोचेगी नहीं, बल्कि मुझे देखते ही भाग जाएगी, क्योंकि उसके सामने मेरी प्यारी सी जानेमन का चेहरा जो आ जाएगा। साहिल की बात सुनकर अनिका मुस्कुराने लगी, वो जल्दी से सोफे से उठकर खड़ी हो गई और अपने कपड़े पहनने लगी। साहिल मुस्कुराते हुए अनिका को देख रहा था। अनिका ने साहिल को घूरते हुए कहा, क्या देख रहे हो? साहिल ने एक आंख मारते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ तुम कितनी हॉट हो गई हो, लगता है मेरे प्यार का असर है, तुम्हारी बॉडी पहले से भी ज्यादा होता हो गई है। साहिल की बात सुनकर अनिका ने उसे घूरते हुए कहा, पहले खुद के कपड़े पहन लो बेशर्म। अनिका की बात सुनकर साहिल ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमसे क्या शर्माना जानेमन, ये जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है, और मैं वैसे भी तुम्हारे सामने ही ऐसे बैठता हूँ, मुझे बाकियों के सामने बहुत शर्म आती है। अनिका ने साहिल को घूरते हुए कहा, अच्छा तो मतलब तुम्हें किसी और के सामने भी इसी तरह से जाना है, जरा मुझे भी बताओ कि कौन है वह, क्या वह रायमा है? अनिका की बात सुनकर और उसकी फुर्ती नजरें देखकर साहिल जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहनते हुए कमरे जानेमन, तुम बार बार इस बात पर क्यों आ जाती हो? मैंने कहा ना, मेरे लिए वह लड़की बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, मेरे लिए अगर दुनिया में कोई लड़की मैटर करती है तो वह सिर्फ तुम और कोई नहीं, ना मुझे किसी से कोई मतलब है, ना कोई लेना देना, मुझे सिर्फ एक लड़की से मतलब है जिसका नाम है अनिका ठाकुर, और वह बहुत जल्दी बनने वाली है अनिका साहिल मल्होत्रा। साहिल की बात सुनकर अनिका ने मुस्कुराते हुए साहिल की तरफ देखा और उसके गले में दोनों बाहें डालकर मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, तो मिस्टर मल्होत्रा अपने दिमाग में यह बात गांठ बांध लीजिए, आपकी होने वाली बीवी बहुत खतरनाक है, इसलिए अपने पास किसी भी लड़की को भड़काने मत दीजिए, वरना अगले ही पल वह लड़की पर लोग सुधर सकती है, वह क्या है ना, आपकी होने वाली बीवी को गुस्सा बहुत आता है और गुस्सा कंट्रोल करना उसे आता नहीं, तो फिर ऐसा काम ही मत कीजिए जिससे उसे गुस्सा आए। अनिका की बात सुनकर साहिल ने प्यार भरी नजरों से अनिका की आंखों में देखकर झुककर उसके लिप्स पर हल्के से किस करते हुए, जानेमन आई प्रॉमिस आज के बाद मेरे आसपास कोई लड़की नहीं आएगी, अगर तुम कहो तो मैं ऑफिस के पूरे स्टाफ को बदलने को तैयार हूँ, आप पर सिर्फ लड़के काम करेंगे, बताओ। साहिल की बात सुनकर अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हें लड़कियों से डिस्टेंस मेंटेन करना है। अनिका की बात पर साहिल ने अपना कर हिलाते हुए मुस्कुराकर उसके माथे को चुनते हुए कहा, वादा करता हूँ आज के बाद कोई लड़की इस तरह से मेरे केबिन में नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो सिर्फ काम के लिए। अनिका ने अपना सर हिलाया और साहिल की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं जा रही हूँ। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर कब आओगी इसी तरह से होता और रोमांटिक सरप्राइज देने के लिए? साहिल ने आंख मारते हुए कहा। साहिल की बात सुनकर अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत जल्दी आऊंगी, पर क्या है ना, मैं हूँ इतनी खतरनाक कि मुझे खुद से ही डर लगता है, कहीं सरप्राइज की जगह पर तुम्हें शॉक ना दे दूं, और अगर इसी तरह से कोई लड़की फिर से दिखाई दी तो पक्का तुम्हें बिजली का शॉक तो दे ही दूंगी, वह भी 880 वोल्ट का। इतना कहकर अनिका मुस्कुराते हुए केबिन से चली गई। पीछे से साहिल ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, कयामत है मेरी जानेमन, कयामत है, क्या बैंड बजाई, उसकी मजा ही आ गया। मुस्कुराते हुए कहकर साहिल अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। कुहू के स्कूल में
इस वक्त कोहू, रुद्र और रिया तीनों क्लास में बैठकर बातें कर रहे थे। उनका फर्स्ट लेक्चर खत्म हो गया था और अभी सेकंड लेक्चर स्टार्ट होने में 15 मिनट का टाइम था। तभी रुद्र ने रिया की तरफ देखते हुए कहा, रिया मुझे सच सच बताओ, तुझे अयान पसंद है ना? रुद्र की बात सुनकर रिया ने अपनी नज़र चुराते हुए कहा, हाँ अयान तो मुझे पसंद है, वह तो मेरे फ्रेंड है। रुद्र ने रिया को घूरते हुए कहा, मैं कह रहा हूँ तुझे दूसरे एंगल से पसंद है ना, जैसे पहले कियान पसंद था अब तुझे अयान पसंद है। रुद्र की बात सुनकर रिया ने छोटे बच्चों की तरह मासूम सी शुक्ला बनाते हुए अपना सर हिलाया। रिया का चेहरा देखकर रुद्र ने हंसते हुए कहा, तो तू इसमें डर क्यों रही है, मैंने तो बस तुझे पूछा ना, रिया ने मासूमियत से कहा। वह मैंने सुना है कि भाई अपनी बहन को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होते हैं और भाइयों को ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए। रिया की बात सुनकर हम बहन भाई जरूर है, पर हम वैसे भी हम तो एक ही क्लास में है, तो इससे हमारे बॉन्डिंग बाकी भाई बहनों से स्ट्रांग है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसी बातें शेयर कर सकते हैं। रुद्र की बात सुनकर रिया ने खुशी से कहा, सच्ची? रुद्र ने उसके नाक को खींचते हुए कहा, बिल्कुल वही कोहू जो कि अपने बुक पर कुछ लिख रही थी। दोनों की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे भी मामा और डैडी से कहना होगा, मुझे भी एक भाई या बहन जल्दी चाहिए, क्योंकि कोहू अकेली अब नहीं रहना चाहती, कोहू को भी कोई चाहिए जो उसे बड़ी सिस्टर कहे। इतना सोचकर कोहू ने एक नज़र रुद्र और रिया की तरफ देखा। दोनों अपनी ही बातों में मगन थी। अपनी सीट से खड़ी हुई और क्लास के बाहर चलिए, रुद्र और रिया एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, जिस वजह से दोनों का ध्यान कोहू की तरफ नहीं गया। कोहू क्लास से निकालकर उसे तरफ जाने लगी जिस तरफ वॉशरूम था। इस वक्त काफी बच्चे क्लास के बाहर गए हुए थे क्योंकि उनका लेक्चर स्टार्ट होने में 15 मिनट बाकी थे। क्लास में कुछ चुनिंदा ही बच्चे थे जिस वजह से किसी का भी ध्यान कोहू की तरफ नहीं गया। कुछ देर बाद कोहू लेडीज वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में जाने के बाद उसने अपना चेहरा क्लीन किया और बाथरूम से जब वो बाहर निकल रही थी तब उसने देखा कि दरवाजा खुला नहीं रहा। यह एहसास होते ही कोहू ने दरवाजा जोर जोर से अपनी तरफ खींचते हुए खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा खुला नहीं रहा था। ये देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कोहू ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा। छोटी सी बाथरूम में एक भी खिड़की नहीं थी, जिसका कारण ये था कि छोटी छोटी बच्चियों खिड़की पर चढ़कर कुछ भी शरारती करने की कोशिश करती थी और वॉशरूम में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट को ही रह सकता था, इसलिए वहां पर सांस लेने में किसी को दिक्कत भी नहीं होती थी, जिस वजह से उसे खिड़की को बंद कर दिया गया था। कोहू की प्रॉब्लम ये थी कि उसके हार्ट में होल होने के कारण उसे बंद कमरे या फिर किसी बंद जगह में सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। कोहू के माथे पर पसीना आ रहा था और उसका गोरा गोरा चेहरा लाल पड़ रहा था। कोहू ने दरवाजे पर अपने नन्हे नन्हे हाथों से मारते हुए कहा, दरवाजा खोलो, कोहू को सांस नहीं आ रहे हैं, दरवाजा खोलो। कोहू की आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही थी। उसका छोटा सा चेहरा पसीने से भीग गया था और वो पूरी तरह से रेड रेड हो गई थी। सांस ना ले पाने के कारण उसका कर भी चकरा रहा था और वह लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश कर रही थी। वही वॉशरूम के बाहर दो छोटी छोटी लड़कियां हंस रही थी। ये दोनों थर्ड क्लास की लड़कियां थी जो कि कियान को पसंद करती थी, पर उसे दिन जब कियान ने कोहू के लिए उन सबको इग्नोर किया तब से ये लोग को उसे चढ़ती थी, और आज जब ये दोनों वॉशरूम से निकल रही थी तब इनका ध्यान कोहू की तरफ गया जो कि वॉशरूम के अंदर थी, इसलिए दोनों ने कोहू को वॉशरूम के अंदर बंद कर दिया। तभी उनमें से एक लड़की ने हंसते हुए कहा, निकिता किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? दूसरी लड़की की बात सुनकर निकिता ने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो अंकिता, किसी को पता नहीं चलेगा, यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। चलो हम जल्दी से क्लास में चलते हैं, सर का आने का टाइम हो गया है। निकिता की बात सुनकर अंकिता ने टेंशन भरी आवाज में कहा, पर अगर उसे कुछ हो गया तो? अंकित की बात पर निकिता ने हंसते हुए कहा, अरे हमने बस उसे वॉशरूम में बंद किया है, उसे कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर तक वह वहां रहेगी और जब कोई वॉशरूम के लिए आएगा उसे खोल देगा।
दोनों ने फिर एक बार दरवाजे की तरफ देखा और अपनी क्लास की तरफ चली गई। वही वॉशरूम के अंदर कोहू का सर चकरा रहा था, वो पूरी पसीने से भीग गई थी। उसका छोटा सा शरीर अजीब तरह से झूल रहा था, जैसे किसी भी वक्त हो जमीन पर गिरने वाली हो। उसने अपनी बंद होती आंखों से दरवाजे की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, मम्मा डैडी मेरी हेल्प करो। कोहू को सांस नहीं आ रही, डैडी प्लीज हेल्प करो मम्मा। कोहू अपनी उखती सांसों के साथ यह सब काफी मुश्किल से कह रही थी। इस वक्त वह पूरी पसीने से नहा चुकी थी और वह अपने नन्हे नन्हे हाथों से दरवाजे को पीट रही थी, पर अब उसके हाथों में भी ताकत नहीं बची थी। उसने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा, प्लीज हेल्प मी। कोहू को सांस नहीं आ रही। ऑडियो बाय साकिल JX07। कोहू इस वक्त वॉशरूम में अपनी अधखुली आंखों से किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि वह दरवाजे से बाहर जाना तो दूर की बात है, अगर कोई उसके साथ वॉशरूम में बंद भी होता तो भी उसे सुनाई नहीं देती। कोहू का छोटा सा चेहरा इस वक्त पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखें बंद हो रही थी, उसकी सांस उखड़ रही थी। उसने अपनी उखड़ती सांसों के साथ आखिरी बार पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश करते हुए कहा, मम्मी डैडी कोहू को बचा लो। इतना कहते ही वह धड़ाम से वॉशरूम में गिर गई। वह भी खुद को होश में रखने की कोशिश कर रही थी, पर नन्ही सी कोहू खुद को कितना संभाल पाती। ऊपर से अब उसे अपने सीने में दर्द भी हो रहा था। पहले से ही उसे उसके सीने में छेद के कारण हर 3 महीने में एक ब्लड चढ़ाया जाता था, जिस वजह से वह बाकी बच्चों से कमजोर थी। पर अक्षय की बचपन से की गई केयर के कारण कोहू नॉर्मल लाइफ जीने लगी थी। अक्षय हमेशा से उसे बचपन से मेडिटेशन और योग कराया करता था, जिस वजह से कोहू ने खुद को स्ट्रांग बना लिया था, पर आज उसकी सारी स्ट्रांगनेस खत्म हो चुकी थी। नन्ही सी कोहू अपनी अधूरी आंखों से बार बार अपने मम्मी डैडी को याद करते हुए उन्हें हेल्प के लिए बुला रही थी। वहीं दूसरी तरफ क्लासरूम में टीचर आ गए थे। रुद्र और रिया की बातें खत्म हो गई थी, तभी रुद्र ने रिया की तरफ देखते हुए कहा, कोहू कहाँ है? रिया ने बेंच की तरफ देखा जहां पर सिर्फ कोहू की बैग थी। उसने अजीब तरह से मुंह बनाते हुए कहा, कोहू ने तो हमें बताया ही नहीं कि वो कहाँ जा रही है, किसी और से पूछ कर देखते हैं। इतना कहकर भी आने बगल के बेंच पर बैठे साहिल की तरफ देख कर मुस्कुराते हुए कहा, साहिल तुमने कोहू को देखा? रिया की बात सुनकर साहिल उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा, पर रिया की बात सुनकर साहिल का मुंह बन गया। उसे कोहू बिल्कुल पसंद नहीं थी। कोहू हमेशा सबके साथ एरोगेंट तरीके से बात करती थी, सिर्फ रुद्र और रिया को छोड़कर उनके साथ भी कोहू एरोगेंट तरीके से बात करती थी। पर अब रुद्र और रिया को कोहू के इस बिहेवियर की आदत हो गई थी, पर बाकी बच्चों को कोहू पसंद नहीं थी, क्योंकि उसका डोमिनेटिंग बिहेवियर सभी बच्चों को कंट्रोल में होने पर मजबूर करता था। पर साहिल को रिया का स्वीट नेचर पसंद था, जिस वजह से उसने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने उसे क्लास से बाहर जाते हुए देखा था, मुझे नहीं पता वह कहाँ गई, पर तुम और रुद्र जब बात कर रहे थे वह क्लास से बाहर चली गई थी और अभी तक नहीं आई। तभी टीचर ने रिया की तरफ देखते हुए कहा, रिया साइलेंस, क्लास में तुम इस तरह से बात नहीं कर सकती। टीचर की बात सुनकर ही आने छोटा सा चेहरा बनाते हुए कहा, टीचर वह कहो अभी तक क्लास में नहीं आए, जिस वजह से मैं पूछ रही थी कि कोहू कहाँ गई। रिया की बात सुनकर टीचर ने बेंच की तरफ देखा जहां पर कोहू की सीट खाली थी। टीचर ने घूर कर रिया को देखते हुए कहा, वह तो तुम्हारी फ्रेंड है ना, तो तुम्हें कैसे नहीं पता कि वो कहाँ गई है? टीचर की बात पर रिया ने अपना सर झुकाते हुए कहा, टीचर मेरा ध्यान नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पता कि कोहू कहाँ गई है। टीचर ने रिया को घूरते हुए कहा, अगर वह बाहर गई है तो उसे मैं क्लास में नहीं बैठने दूंगी, क्लास खत्म होने के बाद उसे सीधा प्रिंसिपल के दिन में भेज देना। ये लड़की हर बार अपनी मर्जी की करती है, आज इस पनिशमेंट दिलवा कर ही रहूंगी।
रिया ने अपने मन ही मन कुहु के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से कुहु को टीचर से पनिशमेंट मिलेगी। रिया को बहुत बुरा लग रहा था। टीचर ने रिया और रुद्र को घूरते हुए कहा, कुहु के बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि वह लड़की जरूर किसी न किसी के साथ बदतमीजी कर रही होगी या फिर किसी न किसी के साथ लड़ाई। आखिर उसकी यह आदत जो है, तुम लोग उसे पर ध्यान देना बंद करो और पढ़ाई पर फोकस करो। नेक्स्ट से तुम्हारा है पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। टीचर की बात पर रुद्र और रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर क्लास में ध्यान देने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि कुहु जरूर सच में किसी न किसी के साथ बाहर लड़ाई कर रही होगी। इसी तरह से टीचर का पीरियड खत्म हो गया, पर कुहु क्लास में नहीं आया। अब रुद्र और रिया को चिंता हो रही थी, क्योंकि कुहु ऐसा कभी नहीं करती थी। भले ही वो बाहर रहती थी, पर वो लेक्चर के बीच में आ जाया करती थी, पर आज कुहु नहीं आई थी। अब लंच ब्रेक हो चुका था। रुद्र ने रिया की तरफ देखते हुए कहा, कुहु अभी तक क्यों नहीं आई, वह कहाँ रह गई, वह पहले तो ऐसा कभी नहीं करती थी। रुद्र की बात पर रिया ने भी परेशानी भरी आवाज में कहा, हाँ कुहु ने तो आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया, चलो हम जाकर देखते हैं कि वो कहाँ है। रुद्र और रिया दोनों क्लास से निकलकर कुहु को ढूंढने लगे। अभी वह दोनों कुहु को ढूंढ ही रहे थे कि उन्हें सामने से आ रहे अयान, शिवांश, कियान नजर आए। उन दोनों को देखकर कियान जल्दी से उन दोनों के पास आ गया। वहीं रुद्र ने जब कियान को देखा था, वह भी जल्दी से किया के पास आ गया। इससे पहले कि किया कुछ कहता, रुद्र ने कहा, क्या तुमने कुहु को देखा। रुद्र की बात सुनकर कियान ने रुद्र को घूरते हुए कहा, कुहु तुम्हारे क्लास में पढ़ती है ना कि मेरे क्लास में, तो यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए ना कि तुम्हें मुझे। कियान की बात पर रिया ने जल्दी से कहा, वो कुहु एक लेक्चर पहले ही क्लास से कहीं चली गई थी। उसे वक्त हम दोनों बात कर रहे थे, जिस वजह से हमारा ध्यान नहीं था और पूरा पीरियड खत्म हो गया, पर वह क्लास में वापस नहीं आए, इसलिए हम उसे ढूंढने के लिए ही अभी बाहर निकले हैं। रिया की बात सुनकर कियान में उन दोनों को घूरते हुए कहा, कहाँ गई बेबी गर्ल, और तुम दोनों का ध्यान कहा था। मैंने कहा था ना उसका ध्यान रखना, कियान की गुस्से भरी आवाज सुनकर रुद्र और रिया ने चेहरा झुका लिया। तभी अयान ने किया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, हम सब मिलकर ढूंढते हैं, कुहु यही कही होगी या फिर किसी के साथ लड़ाई कर रही होगी। अयान की बात पर रिया ने जल्दी से कहा, पर आयो कुहु अगर किसी के साथ लड़ाई भी कर रही होती तो अब तक तो वापस आ ही जाती, एक घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका है पर कुहु क्लास में वापस ही नहीं आई, मुझे टेंशन हो रही है, रिया ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। रिया की बात सुनकर कियान के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसने रुद्र और रिया को घूरते हुए कहा, जल्दी चलो। रुद्र, रिया, शिवांश, अयान, कियान पांचों लोग मिलकर पूरे स्कूल में कुहु को ढूंढने लगे। रुद्र और रिया कैंटीन में कुहु को ढूंढ रहे थे, अयान, शिवांश दोनों गार्डन और आसपास के एरिया में कुहु को ढूंढ रहे थे, और कियान चारों तरफ कुहु को ढूंढ रहा था। पांचों लोग करीब आधे घंटे तक कुहु को ढूंढते रहे, पर किसी को भी कुहु के बारे में कुछ पता नहीं चला। अब कियान काफी गुस्से में आ गया था। कियान गुस्से में सीधा प्रिंसिपल केबिन में चला गया। इस वक्त प्रिंसिपल केबिन में प्रिंसिपल कुछ इम्पोर्टेंट फाइल पढ़ रहे थे। उनका दरवाजा धड़ाम से खुला, उन्होंने अपने सामने देखा तो कियान, अयान, शिवांश, रुद्र, रिया उनके सामने खड़े थे। इन सभी बच्चों को देखकर उन्होंने हैरानी से कहा, क्या हुआ बच्चों, आप सब लोग इस तरह से। तभी कियान आगे आया। कियान ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी बेबी गर्ल पिछले डेढ़ घंटे से गायब है, हमने स्कूल में हर जगह पर देखा है, वो कहीं नहीं मिल रही, आप जल्दी से सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए और पता कीजिए कि मेरी बेबी गर्ल कहाँ है। कियान की बात सुनकर प्रिंसिपल के माथे पर पसीना आने लगा। प्रिंसिपल अच्छे से जानते थे कियान कुहु मल्होत्रा को बेबी गर्ल कहता है, और कुहु मल्होत्रा यानी कि अक्षय मल्होत्रा की बेटी। अक्षय मल्होत्रा किसी शैतान से कम
नहीं है, ये बात तो सभी लोग जानते थे। ऊपर से अक्षय ने पहले ही प्रिंसिपल को धमकी दी हुई थी कि अगर उसकी बेटी को एक खरोच भी आई तो प्रिंसिपल खुद की जिंदगी का आखिरी दिन देखेगा। ये सुनकर कि पिछले 1.5 घंटे से कुहू मल्होत्रा गायब है, प्रिंसिपल जल्दी से अपनी जगह से खड़े हुए और दौड़ते हुए सीसीटीवी रूम की तरफ जाने लगे। सभी बच्चे भी उनके पीछे ही दौड़ते हुए सीसीटीवी फुटेज रूम की तरफ जाने लगे। कुछ देर बाद मॉनिटर पर प्रिंसिपल सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे और कियान और बाकी सभी है ध्यान से सब कुछ देख रहे थे। प्रिंसिपल ने उसे टाइम का सीसीटीवी फुटेज चलाया जिस टाइम पर कुहू क्लास से बाहर निकली थी। इस वक्त सीसीटीवी फुटेज में कुहू धीरे से क्लास से बाहर निकली और अपने कदम कॉरिडोर से वॉशरूम की तरफ ले जाने लगी। ये देखते ही कियान जल्दी से सीसीटीवी रूम से बाहर निकाला और वॉशरूम की तरफ भागा। उसे इस तरह से भागता देखकर रिया, रुद्रयान, शिवांश भी उसे तरफ भागे। प्रिंसिपल भी जल्दी से उनके पीछे भागे। प्रिंसिपल और बच्चों को इस तरह से भागता देखकर सभी टीचर्स जो कि स्टाफ रूम की तरफ जा रहे थे वह भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। कियान इस वक्त अंधाधुंध दौड़ रहा था, उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी, वह बिना रुके लगातार दौड़ रहा था। उसके पीछे रुद्र, रिया, शिवांश, अयान भी दौड़ रहे थे। प्रिंसिपल और बाकी सभी लोग भी उनके पीछे दौड़ रहे थे। कुछ देर बाद कियान लेडीज वॉशरूम के बाहर आकर रुका। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। तभी उसका ध्यान एक वॉशरूम की तरफ गया जिसका दरवाजा बाहर से बंद था। ये देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही सामने कुहू को जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर कियान की सांस थम गई। उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। उसका हैंडसम और क्यूट सा चेहरा इस वक्त सफेद पड़ चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कहना क्या चाहिए। तभी पीछे से रिया, रुद्र, शिवांश, अयान भी दौड़ते हुए आए। जैसे ही उन लोगों ने बाथरूम के अंदर बेहोश पड़ी कुहू को देख सबके मुंह से चीख निकल गई। प्रिंसिपल जो कि खुद भी दौड़ते हुए आ रहे थे, बच्चों की चीख सुनकर उनकी धड़कने तेज चलने लगी। उन्हें किसी अनहोनी का डर लग रहा था। कुहू को इस तरह से देखकर रिया ने तो रोना ही शुरू कर दिया था। उसका रोने की आवाज सुनकर कियान होश में आया और जल्दी से बाथरूम के अंदर आया। कुहू का सफेद चेहरा देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह जल्दी से बाथरूम के फ्लोर पर बैठ गया। उसने कुहू का छोटा सा चेहरा जो कि सफेद पड़ा हुआ था उसे जल्दी से अपनी गोद में रख लिया और उसके गालों को थपथपाते हुए कहने लगा, बेबी गर्ल अपनी आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें, अपनी आंखें खोलो। कि आज की आंखों से इस वक्त आज सुबह रहे थे। उसकी नीली नीली आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। शायद वह बचपन के बाद पहली बार आज जिंदगी में रो रहा हो। वही रिया, शिवांश, अयान, रुद्र, बाकी सबकी भी हालत की आज की तरह ही थी। प्रिंसिपल ने जब कुहू की यह हालत देखी तब उनके हाथ पैर ठंडा पड़ने लगे। ये सोचकर ही कि अगर अक्षय मल्होत्रा की बेटी को कुछ भी हो गया तो उनकी जिंदगी का यह आखिरी दिन होगा और अक्षय मल्होत्रा कितनों की जिंदगी ले लेगा। प्रिंसिपल के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। ये तक कि वह अपनी जगह पर मूर्ति की तरह खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। तभी पीछे से आ रहे टीचर्स ने जब कुहू की यह हालत देखी उनके भी माथे से ठंडा पसीना बहाने लगा। उनमें से एक ने प्रिंसिपल को हिलाते हुए कहा, सर जल्दी से उसे मेडिकल की ट्रीटमेंट दीजिए। टीचर के कहते ही प्रिंसिपल को होश आया कि वह क्या कर रहे हैं। प्रिंसिपल जल्दी से चिल्लाते हुए कियान से कहने लगे, कियान हटो, उसे अस्पताल लेकर जाना है। कि यहां तो जैसे अपने होश में ही नहीं था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, बेबी गर्ल ओपन योर आईज। ऑडियो बाय साकिल जेक्स 07। कुहू इस वक्त वॉशरूम में अपनी अधखुली आंखों से किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश कर रही थी पर उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि वह दरवाजे से बाहर जाना तो दूर की बात है, अगर कोई उसके साथ वॉशरूम में बंद भी होता तो भी उसे सुनाई नहीं देती। कुहू का छोटा सा चेहरा इस वक्त पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखें बंद हो रही थी, उसकी सांस उखड़ रही थी। उसने अपनी उखड़ती सांसों के साथ आखिरी बार पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश करते हुए कहा, मम्मी डैडी कुहू को बचा लो।
इतना कहते ही वह धड़ाम से वॉशरूम में गिर गई। वह भी खुद को होश में रखने की कोशिश कर रही थी, पर नहीं सी कुहू खुद को कितना संभाल पाती। ऊपर से अब उसे अपने सीने में दर्द भी हो रहा था। पहले से ही उसे उसके सीने में छेद के कारण हर 3 महीने में एक ब्लड चढ़ाया जाता था, जिस वजह से वह बाकी बच्चों से कमजोर थी। पर अक्षय की बचपन से की गई केयर के कारण कुहू नॉर्मल लाइफ जीने लगी थी। अक्षय हमेशा से उसे बचपन से मेडिटेशन और योग कराया करता था, जिस वजह से कुहू ने खुद को स्ट्रांग बना लिया था। पर आज उसकी सारी स्ट्रांगनेस खत्म हो चुकी थी। नन्ही सी कुहू अपनी अधूरी आंखों से बार बार अपने मम्मी डैडी को याद करते हुए उन्हें हेल्प के लिए बुला रही थी। वहीं दूसरी तरफ क्लासरूम में टीचर आ गए थे। रुद्र और रिया की बातें खत्म हो गई थी। तभी रुद्र ने रिया की तरफ देखते हुए कहा, कुहू कहाँ है? रिया ने बेंच की तरफ देखा जहाँ पर सिर्फ कुहू की बैग थी। उसने अजीब तरह से मुंह बनाते हुए कहा, कुहू ने तो हमें बताया ही नहीं कि वो कहाँ जा रही है, किसी और से पूछ कर देखते हैं। इतना कहकर भी आने बगल के बेंच पर बैठे साहिल की तरफ देख कर मुस्कुराते हुए कहा, साहिल तुमने कुहू को देखा? रिया की बात सुनकर साहिल उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा, पर रिया की बात सुनकर साहिल का मुंह बन गया। उसे कुहू बिल्कुल पसंद नहीं थी। कुहू हमेशा सबके साथ एरोगेंट तरीके से बात करती थी। सिर्फ रुद्र और रिया को छोड़कर उनके साथ भी कुहू एरोगेंट तरीके से बात करती थी। पर अब रुद्र और रिया को कुहू के इस बिहेवियर की आदत हो गई थी, पर बाकी बच्चों को कुहू पसंद नहीं थी, क्योंकि उसका डोमिनेटिंग बिहेवियर सभी बच्चों को कंट्रोल में होने पर मजबूर करता था। पर साहिल को रिया का स्वीट नेचर पसंद था, जिस वजह से उसने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने उसे क्लास से बाहर जाते हुए देखा था, मुझे नहीं पता वह कहाँ गई। पर तुम और रुद्र जब बात कर रहे थे वह क्लास से बाहर चली गई थी और अभी तक नहीं आई। तभी टीचर ने रिया की तरफ देखते हुए कहा, रिया साइलेंस क्लास में तुम इस तरह से बात नहीं कर सकती। टीचर की बात सुनकर ही आने छोटा सा चेहरा बनाते हुए कहा, टीचर वह कहो अभी तक क्लास में नहीं आए, जिस वजह से मैं पूछ रही थी कि कुहू कहाँ गई। रिया की बात सुनकर टीचर ने बेंच की तरफ देखा जहां पर कुहू की सीट खाली थी। टीचर ने घूर कर रिया को देखते हुए कहा, वह तो तुम्हारी फ्रेंड है ना, तो तुम्हें कैसे नहीं पता कि वो कहाँ गई है? टीचर की बात पर रिया ने अपना सर झुकाते हुए कहा, टीचर मेरा ध्यान नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पता कि कुहू कहाँ गई है। टीचर ने रिया को घूरते हुए कहा, अगर वह बाहर गई है तो उसे मैं क्लास में नहीं बैठने दूंगी। क्लास खत्म होने के बाद उसे सीधा प्रिंसिपल के दिन में भेज देना। ये लड़की हर बार अपनी मर्जी की करती है, आज इस पनिशमेंट दिलवा कर ही रहूंगी। रिया ने अपने मन ही मन कुहू के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से कुहू को टीचर से पनिशमेंट मिलेगी। रिया को बहुत बुरा लग रहा था। टीचर ने रिया और रुद्र को घूरते हुए कहा, कुहू के बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि वह लड़की जरूर किसी न किसी के साथ बदतमीजी कर रही होगी या फिर किसी न किसी के साथ लड़ाई। आखिर उसकी यह आदत जो है, तुम लोग उसे पर ध्यान देना बंद करो और पढ़ाई पर फोकस करो। नेक्स्ट मंथ से तुम्हारा है पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। टीचर की बात पर रुद्र और रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर क्लास में ध्यान देने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि कुहू जरूर सच में किसी न किसी के साथ बाहर लड़ाई कर रही होगी। इसी तरह से टीचर का पीरियड खत्म हो गया, पर कुहू क्लास में नहीं आया। अब रुद्र और रिया को चिंता हो रही थी, क्योंकि कुहू ऐसा कभी नहीं करती थी। भले ही वो बाहर रहती थी, पर वह लेक्चर के बीच में आ जाया करती थी, पर आज कुहू नहीं आई थी। अब लंच ब्रेक हो चुका था। रुद्र ने रिया की तरफ देखते हुए कहा, कुहू अभी तक क्यों नहीं आई, वह कहाँ रह गई? वह पहले तो ऐसा कभी नहीं करती थी। रुद्र की बात पर रिया ने भी परेशानी भरी आवाज में कहा, हाँ कुहू ने तो आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया, चलो हम जाकर देखते हैं कि वो कहाँ है। रुद्र और रिया दोनों क्लास से निकलकर कुहू को ढूंढने लगे। अभी वह दोनों कुहू को ढूंढ ही रहे थे कि उन्हें सामने से आ रहे अयान शिवांश कियान नजर आए। उन दोनों को देखकर कियान जल्दी से उन दोनों के पास आ गया। वहीं रुद्र ने जब कियान को देखा था, वह भी जल्दी से किया के पास आ गया। इससे पहले
किया कुछ कहता। रुद्र ने कहा, क्या तुमने कुहू को देखा? रुद्र की बात सुनकर कियान ने रुद्र को घूरते हुए कहा, कुहू तुम्हारे क्लास में पढ़ती है ना कि मेरे क्लास में? तो यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए ना कि तुम्हें मुझे? कियान की बात पर रिया ने जल्दी से कहा, वो कुहू एक लेक्चर पहले ही क्लास से कहीं चली गई थी। उसे वक्त हम दोनों बात कर रहे थे जिस वजह से हमारा ध्यान नहीं था और पूरा पीरियड खत्म हो गया, पर वह क्लास में वापस नहीं आए, इसलिए हम उसे ढूंढने के लिए ही अभी बाहर निकले हैं। रिया की बात सुनकर कियान मैं उन दोनों को घूरते हुए कहा, कहाँ गई बेबी गर्ल? और तुम दोनों का ध्यान कहाँ था? मैंने कहा था ना उसका ध्यान रखना, कियान की गुस्से हरी आवाज सुनकर रुद्र और रिया ने चेहरा झुका लिया। तभी अयान ने किया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, हम सब मिलकर ढूंढते हैं, कुहू यही कही होगी या फिर किसी के साथ लड़ाई कर रही होगी। अयान की बात पर रिया ने जल्दी से कहा, पर आयु कुहू अगर किसी के साथ लड़ाई भी कर रही होती तो अब तक तो वापस आ ही जाती, एक घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका है पर कुहू क्लास में वापस ही नहीं आई, मुझे टेंशन हो रही है, रिया ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। रिया की बात सुनकर कियान के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा, उसने रुद्र और रिया को घूरते हुए कहा, जल्दी चलो। रुद्र, रिया, शिवांश, अयान, कियान, पांचों लोग मिलकर पूरे स्कूल में कुहू को ढूंढने लगे। रुद्र और रिया कैंटीन में कुहू को ढूंढ रहे थे, अयान, शिवांश दोनों गार्डन और आसपास के एरिया में कुहू को ढूंढ रहे थे और कियान चारों तरफ कुहू को ढूंढ रहा था। पांचों लोग करीब आधे घंटे तक कुहू को ढूंढते रहे पर किसी को भी कुहू के बारे में कुछ पता नहीं चला। अब कियान काफी गुस्से में आ गया था, कियान गुस्से में सीधा प्रिंसिपल केबिन में चला गया। इस वक्त प्रिंसिपल केबिन में प्रिंसिपल कुछ इम्पोर्टेंट फाइल पढ़ रहे थे, उनका दरवाजा धड़ाम से खुला, उन्होंने अपने सामने देखा तो कियान, अयान, शिवांश, रुद्र, रिया उनके सामने खड़े थे। इन सभी बच्चों को देखकर उन्होंने हैरानी से कहा, क्या हुआ बच्चों, आप सब लोग इस तरह से? तभी कियान आगे आया, कियान ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी बेबी गर्ल पिछले डेढ़ घंटे से गायब है, हमने स्कूल में हर जगह पर देखा है, वो कहीं नहीं मिल रही, आप जल्दी से सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए और पता कीजिए कि मेरी बेबी गर्ल कहाँ है। कियान की बात सुनकर प्रिंसिपल के माथे पर पसीना आने लगा, प्रिंसिपल अच्छे से जानते थे कियान कुहू मल्होत्रा को बेबी गर्ल कहता है और कुहू मल्होत्रा यानी कि अक्षय मल्होत्रा की बेटी, अक्षय मल्होत्रा किसी शैतान से कम नहीं है, ये बात तो सभी लोग जानते थे। ऊपर से अक्षय ने पहले ही प्रिंसिपल को धमकी दी हुई थी कि अगर उसकी बेटी को एक खरोच भी आई तो प्रिंसिपल खुद की जिंदगी का आखिरी दिन देखेगा। ये सुनकर कि पिछले डेढ़ घंटे से कुहू मल्होत्रा गायब है, प्रिंसिपल जल्दी से अपनी जगह से खड़े हुए और दौड़ते हुए सीसीटीवी रूम की तरफ जाने लगे। सभी बच्चे भी उनके पीछे ही दौड़ते हुए सीसीटीवी फुटेज रूम की तरफ जाने लगे। कुछ देर बाद मॉनिटर पर प्रिंसिपल सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे और कियान और बाकी सभी है ध्यान से सब कुछ देख रहे थे। प्रिंसिपल ने उसे टाइम का सीसीटीवी फुटेज चलाया जिस टाइम पर कुहू क्लास से बाहर निकली थी। इस वक्त सीसीटीवी फुटेज में कुहू धीरे से क्लास से बाहर निकली और अपने कदम कॉरिडोर से वॉशरूम की तरफ ले जाने लगी। ये देखते ही कियान जल्दी से सीसीटीवी रूम से बाहर निकाला और वॉशरूम की तरफ भागा। उसे इस तरह से भागता देखकर रिया, रुद्र, अयान, शिवांश भी उसे तरफ भागे, प्रिंसिपल भी जल्दी से उनके पीछे भागे। प्रिंसिपल और बच्चों को इस तरह से भागता देखकर सभी टीचर्स जो कि स्टाफ रूम की तरफ जा रहे थे वह भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। कियान इस वक्त अंधाधुंध दौड़ रहा था, उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी, वह बिना रुके लगातार दौड़ रहा था। उसके पीछे रुद्र, रिया, शिवांश, अयान भी दौड़ रहे थे, प्रिंसिपल और बाकी सभी लोग भी उनके पीछे दौड़ रहे थे। कुछ देर बाद कियान लेडीज वॉशरूम के बाहर आकर रुका, उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। तभी उसका ध्यान एक वॉशरूम की तरफ गया जिसका दरवाजा बाहर से बंद था। ये देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया, उसने जल्दी से दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही सामने
कुहू को जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर कियान की सांस थम गई। उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। उसका हैंडसम और क्यूट सा चेहरा इस वक्त सफेद पड़ चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कहना क्या चाहिए। तभी पीछे से रिया, रुद्र, शिवान, शयान भी दौड़ते हुए आए। जैसे ही उन लोगों ने बाथरूम के अंदर बेहोश पड़ी कुहू को देख सबके मुंह से चीख निकल गई। प्रिंसिपल, जो कि खुद भी दौड़ते हुए आ रहे थे, बच्चों की चीख सुनकर उनकी धड़कनें तेज चलने लगी। उन्हें किसी अनहोनी का डर लग रहा था। कुहू को इस तरह से देखकर रिया ने तो रोना ही शुरू कर दिया था। उसका रोने की आवाज सुनकर कियान होश में आया और जल्दी से बाथरूम के अंदर आया। कुहू का सफेद चेहरा देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह जल्दी से बाथरूम के फ्लोर पर बैठ गया। उसने कुहू का छोटा सा चेहरा, जो कि सफेद पड़ा हुआ था, उसे जल्दी से अपनी गोद में रख लिया और उसके गालों को थपथपाते हुए कहने लगा, बेबी गर्ल अपनी आंखें खोलो। क्या हुआ तुम्हें? अपनी आंखें खोलो कि आज की आंखों से इस वक्त आज सुबह रहे थे। उसकी नीली नीली आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। शायद वह बचपन के बाद पहली बार आज जिंदगी में रो रहा हो। वही रिया, शिवान, शयान, रुद्र, बाकी सबकी भी हालत की आज की तरह ही थी। प्रिंसिपल ने भी जब कुहू की यह हालत देखी तब उनके हाथ पैर ठंडा पड़ने लगे। ये सोचकर ही कि अगर अक्षय मल्होत्रा की बेटी को कुछ भी हो गया तो उनकी जिंदगी का यह आखिरी दिन होगा और अक्षय मल्होत्रा कितनों की जिंदगी ले लेगा। प्रिंसिपल के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। ये तक कि वह अपनी जगह पर मूर्ति की तरह खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। तभी पीछे से आ रहे टीचर्स ने जब कुहू की यह हालत देखी उनके भी माथे से ठंडा पसीना बहाने लगा। उनमें से एक ने प्रिंसिपल को हिलाते हुए कहा, सर जल्दी से उसे मेडिकल की ट्रीटमेंट दीजिए। टीचर के कहते ही प्रिंसिपल को होश आया कि वह क्या कर रहे हैं। प्रिंसिपल जल्दी से चिल्लाते हुए कियान से कहने लगे, कियान हटो, उसे अस्पताल लेकर जाना है। कि यहां तो जैसे अपने होश में ही नहीं था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, बेबी गर्ल ओपन योर आइज़।